मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा पुराना हो गया है, और बहुत लोग बोलते हैं कि इसे चेंज करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो रही है जो हम अभी करंटली पढ़ रहे हैं, तो इस पर आपका तो ओपिनियन क्या है? एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत मेजर चेंजेस की ज़रूरत है, और ये बात भारत सरकार ने एक्सेप्ट भी की है, नई पॉलिसी भी लेके आए हैं। मतलब मुझे लगता है कि कई लेवल्स पे देखना है। सबसे पहले तो ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि एजुकेशन का पर्पस है क्या। क्या पर्पस केवल नौकरी लेना है, एक जॉब मिल जाए वही पर्पस है? मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मेरी राय में एजुकेशन का बेसिक पर्पस है कि एक होमो सेपियंस एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए उसको, समझना आ जाए। कोई राजनेता या धर्मगुरु उसको गधा ना बना सके, बेवकूफ ना बना सके, उसे इतनी समझ हो कि वो चीज़ों को फैक्चुअली ऑब्जेक्टिवली समझ सके, तर्क कर सके, बहस कर सके, और अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक हैं तो उनको एक्सेप्ट भी कर सके, इतना विनम्र भी रहे। बेसिकली पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का प्रोसेस एजुकेशन है, वो केवल नौकरी का मामला नहीं है। पहली गलती तब होती है जब हम उसको केवल नौकरी का मामला मान लेते हैं। मतलब नौकरी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वो उसका पर्पस नहीं होना चाहिए। सेकेंडली कई ऐसी चीज़ें, जैसे अगर बहुत विस्तार में तो भी नहीं जा सकते, जैसे एक बहुत छोटी बात है सेक्स एजुकेशन हमारी सोसाइटी में। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है स्कूल में, जो एडोलेसेंस की एज के लोग हैं, 12, 13, 14 की एज के लोग हैं, उनको वो सब चीज़ें बताएं ताकि गलत सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ना मिले, कोई गलती ना कर बैठे। हेल्थ एजुकेशन के रूप में हो, उनको सारी चीज़ें पता हों, ठीक हाथों से पता हों, ठीक तरीके से पता हों। फिर मेरा ख्याल है कि जैसे IITs में अब तो होने लगा है, पहले क्या था कि हम टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते थे कि आपने मशीन को समझ लिया, तकनीक को समझ लिया, हो गया, इंसान को नहीं समझा। टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले लोग समाज और इंसान से एकदम कटे हुए थे। अब तो ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई है। एक होलिस्टिक एजुकेशन हो। ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा केवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी पढ़ता है, उसको कोडिंग का सी भी नहीं आता, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आती उसको, उसको MS Excel भी नहीं पता क्या होता है। टेक्नोलॉजी वाला सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ता है, वो ह्यूमन ब्रेन को नहीं पढ़ना चाह रहा, सोसाइटी को नहीं पढ़ना चाह रहा। क्यों नहीं एक ऐसी शिक्षा हो जिसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, होलिस्टिक अप्रोच हो, कि हम खुद तय कर सके कि किस किस एरिया में हमें ज़्यादा जाना है, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की हो। तो बेसिक 3 फार्मूले माने जाते हैं। एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है कि 10वीं क्लास तक की शिक्षा हर बच्चे को मिले, ठीक से मिले। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 11वीं 12वीं की पढ़ाई का पर्पस है कि बच्चा ये समझ पाए कि उसको ज़िंदगी में आगे कहाँ जाना है। और फिर जो हायर एजुकेशन है, वो सबको करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वो शौक पूरा करने के लिए नहीं है, वो शादी का वेटिंग रूम नहीं है, वो उसके लिए है जिसको सच में आगे पढ़ना है, वो उतना पढ़े, सब्जेक्ट चूज करे, और फिर उसमें गहराई से रिसर्च करे ताकि डेवलपमेंट के रास्ते पर हम बढ़ें। हम एजुकेशन के मामले में बहुत बुरी स्थिति में हैं। मैं तो अब जिस उम्र में हूँ, मेरा अब तो पर्पस भी ये बन गया है कि अब मैं उसी पे कुछ काम करूँ। एक यूनिवर्सिटी शुरू करने की योजना मेरे मन में है, इनसे मैंने शेयर भी किया था। और मैं जिस तरह का विश्वविद्यालय सोचता हूँ, वो नौकरी देने के पीछे पागल नहीं होगा, वो होमो सेपियंस सेपियंस को कायदे का इंसान बनाने की कोशिश करेगा। नौकरी तो उसका एक पार्ट है। मतलब आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे जनरली, जैसे मैंने इन्हीं से पूछा, ये जिस फील्ड में सफल हैं, इनका जो करियर है, अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तो अदरवाइज भी जो इनका करियर है वो उस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है जो इन्होंने पढ़ा है ग्रेजुएशन में। मेरा भी नहीं है, आमतौर पर किसी का भी नहीं है। 90% लोगों को मैं देखता हूँ जो सक्सेसफुल हैं, उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं है। तो बेसिक पर्पस क्या है? वो स्मार्टनेस बाहर आ जाए, ग्रूमिंग हो जाए, इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो सब जो टूल्स हैं वो उस बच्चे को सीखने को मिल जाए, ताकि फिर वो ज़िंदगी को फेस कर सके, इनोवेट कर सके, नए रास्ते निकाल सके। 1000 रास्ते दुनिया में होते हैं। तो सच बात है कि काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है, और आप और हम मिलकर करेंगे चेंजेस। एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है अपनी लाइफ में, बट मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे कि एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये है कि एक इंसान का दिमाग खुले, बजाय कि उसका दिमाग इतना नैरो डाउन हो जाए कि उसको लगे कि बस यही अगर हो गया तो सक्सेस है, ये नहीं हुआ तो फेलियर है। आप अनगिनत तरीकों से अपने गोल को, अपने पर्पस को, या जो भी आप करना चाहते हो उसको अचीव कर सकते हो।
एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए, और वही मेरी कोशिश है अपने इन सेशंस के थ्रू करने की, कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आ जाए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस ये हो गया तो बहुत है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो लिमिटेड माइंडसेट है ये बहुत लोगों का है, करोड़ों लोगों का है, तो वहां पे कंपटीशन भी बहुत है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट जबकि देखा जाए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत कम लोगों का है और वहां पे कंपटीशन कम है। और पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। ये एजुकेशन काम अगर कर दे तो रियल एजुकेशन हो गई हमारी, मतलब एक इंसान को। हाँ, सॉरी, थॉमस एडिसन बल्ब के आविष्कार में लगा हुआ था। हाँ जी, हजार बार फेल हुआ, तो किसी ने उससे पूछा कि यार तुम बार बार करते, होता तो है नहीं तुमसे, क्यों कर रहे हो? तो उसने पता है क्या कहा, हर फेलियर के बाद मैं ये जानता हूं कि बल्ब इस तरीके से भी नहीं बन सकता, और अब मैं हजार तरीके जानता हूं कि इन तरीकों से नहीं बनेगा, और उसके बाद वो तरीका ईजाद हुआ जिससे बना। एजुकेशन से एक इंसान का दिमाग इतना खुल जाए कि सबसे पहली चीज तो उसको ये समझ आए कि मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ, एकदम ठीक बात है। एजुकेशन मस्ट बी सच कि वो लाइफ लॉन्ग आपका एक क्वेश्चनिंग माइंड बना ही रहे। हाँ। कि आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग में क्वेश्चंस चले, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स। जो भी आप काम कर रहे हो वो क्या है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तभी उस काम में वैल्यू है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहे हो तो उसमें वैल्यू कहां ऐड हो रही है, और वैल्यू नहीं ऐड होगी तो आपको पैसा कैसे मिलेगा, फिर चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। सो द आइडिया इज कि आपका दिमाग ये चलना चाहिए, अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, पहले तो मुझे नहीं पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको वही पता है जिस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती आई है। दैट मे नॉट बी रेलेवेंट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, बट स्टिल आप उसको उसी तरह से सॉल्व करोगे जिस तरह से सब कर रहे हैं, वहां पर कॉम्पिटिशन है, फिर आप कहोगे कि कुछ हो नहीं रहा है। सो द आइडिया इज कि पहले तो ये प्रॉब्लम है जो मुझे अच्छे से समझ आई, मैंने इस पे फोकस किया, अब इसको सॉल्व करने के इन्फिनिट तरीके हैं, एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, मुझे पता नहीं है। दिस इज द गोल ऑफ एजुकेशन, कि मुझे नहीं पता है लेकिन पता किया जा सकता है, दिस इज अनदर गोल ऑफ एजुकेशन। उसमें से कुछ तरीके काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये भी हमको क्लियरली पता होना चाहिए। मतलब जॉब पर्सनैलिटी मस्ट बी डायनेमिक, इट मस्ट नॉट बी स्टैटिक। जैसे मैंने देखा है बहुत लोगों को जो मुझे मिलते हैं, कुछ लोग हैं उसमें से जो, जैसे मैं सर से मिला अभी ऑफ कैमरा, हम लोग बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सर आपके साथ में बैठ करके, जिस तरह से, जिस ठहराव से सर बात कर रहे थे, जिस तरह से चीजों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, और मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो देर वॉज अ कॉन्वर्सेशन विच वॉज गोइंग ऑन। ऑन दी अदर हैंड देर आर सम पीपल जिनसे मैं कभी कहीं मिला तो उनकी अप्रोच क्या है कि मुझे सब पता है, वो गड़बड़ हो जाती है। शिक्षा की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, भारतीय अगर परंपरा में देखें तो विद्या ददाति विनयम एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत कम है वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूँ। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफ़ी है, उससे बड़ी बात तो सोचने भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मतलब कि एजुकेशन का गोल आपको प्रोफेसर बनाना नहीं है, आपको स्टूडेंट बनाना है। हाँ। अगर सर की बात को आगे एक्सटेंड किया जाए, एकदम सही, एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, कि आप सीखते चले जा रहे हो, सबसे, जिससे मिल रहे हो, लोगों से सीख रहे हो, सिचुएशन से सीख रहे हो, अपनी लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो, बुरे से सीख रहे हो। जैसे मैंने देखा है जब भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, सबके क्वेश्चन एक ही होते हैं, सर सक्सेसफुल कैसे हो? कभी मैंने आज तक ये क्वेश्चन नहीं सुना किसी का भी जो इससे बड़ा क्वेश्चन है, जो आप रिलेट कर जाएंगे, कि सर सक्सेस हमारा दिमाग खराब किस तरीके से करती है, या सक्सेस का क्या माइनस पॉइंट है? सही बात। सक्सेसफुल होने से बड़ा है मीनिंगफुल होना।